हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम ये वीडियो में कोटक के एक ऐसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड का रिव्यू करने वाले हैं जिसने सिंस इंसेप्शन 22.77% का बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरिधर। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कोटक का ये म्यूचुअल फंड 2013 से शुरू हुआ है और इसने सिंस इंसेप्शन 22.77% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। साथ में पिछले 5 साल में 24.98% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, पिछले 3 साल में 38% का रिटर्न, पिछले 1 साल में 71% का रिटर्न और पिछले 6 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर आप मेरे राइट हैंड साइड में देखें तो यहां पे ब्लैक कलर में इसका कैटेगरी एवरेज का रिटर्न जनरेट करके जो मिलता है वो यहां पे लिखा हुआ है। तो आप यहां पे देखेंगे चारों होरिजन में ये म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, वो भी 6% से ज्यादा। दोस्तों कोटक के ये म्यूचुअल फंड का नाम है कोटक स्मॉल कैप फंड। ये अपनी पैसे को ऐसी छोटी कंपनियों में डाइवर्सिफाई करता है जिसमें आगे जाके ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, जिसमें रिटर्न जनरेट ज्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये सारी कंपनीज है जिसके अंदर यहां पे कोटक स्मॉल कैप का पैसा डाइवर्सिफाई हुआ है। इसके साथ में अगर हम यहां पे इसका फंड का इंफॉर्मेशन देखें तो एक्सपेंस रेशियो यहां पे 0.48 है जबकि कैटेगरी एवरेज 0.78 है। ये काफी एक अच्छा सिग्नल है, आपको थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा जनरेट होता हुआ दिखेगा आपको यहां पे। इसमें आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं मिनिमम 1000 रुपीज से एसआईपी कर सकते हैं, लमसम 5000 रुपए से कर सकते हैं। वैल्यू रिसर्च की रेटिंग काफी अच्छी है जिसने कंसिस्टेंटली रिटर्न जनरेट करके दिया है और यहां पे कंट्रोल लॉसेस जो है मार्केट करेक्शन जब होता है वो भी काफी अच्छा है, लेकिन यहां पे डिलीवर्ड रिटर्न विदाउट फ्रीक्वेंट अप डाउन, मतलब इसमें थोड़ा सा वॉलेटिलिटी जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है काफी अदर प्लान के मुकाबले। अब यहां पे नेक्स्ट देखते हैं कि इसके फंड मैनेजर पंकज तिबरेवाल है जिसने जो कॉमर्स ग्रेजुएट है, मास्टर्स इन फाइनेंस है, 13 साल का अच्छा रिच एक्सपीरियंस है और पिछले पीएनबी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में भी ये काम कर चुके हैं। इसके साथ में अब हम देखेंगे इसके रेशियोज के बारे में जो हम लोग हर म्यूचुअल फंड रिव्यू में देखते हैं, जो बताता है कि कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ये म्यूचुअल फंड ले पा रहा है और आपके पैसे कितने सेफ तरीके से हैंडल कर पा रहा है। तो यहां पे पहले देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो। तो टर्नओवर रेशियो यहां पे 11.01% है जबकि कैटेगरी एवरेज 56% है। तो यहां पे टर्नओवर रेशियो ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए इसका कोई थंब रूल नहीं है, बट मेरे हिसाब से ज्यादा भी हो कम भी हो लेकिन जो म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है वही यहां पे अच्छा माना जाएगा। तो यहां पे टर्नओवर रेशियो काफी कम दिखता हुआ नजर आ रहा है, इसका मीनिंग है कि यहां पे जो फंड हाउस है वो अपने फंड के पोर्टफोलियो में काफी कम बदलाव कर रहा है लेकिन कम बदलाव के बावजूद अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, वो एक अच्छी चीज है। इसके साथ हम लोग देखेंगे अभी यहां पे फंड परफॉर्मेंस के दो रेशियो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बेटा वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन 18.17 है जो कि हाई वोलेटाइल है और बेटा वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 0.75 है जिसमें कैटेगरी एवरेज 0.75 है। तो दोनों यहां पे रेशियो पॉजिटिव दिखते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ में अगर हम रिस्क रेशियो की बात करें तो यहां पे शार्प रेशियो 1.5 है जबकि कैटेगरी एवरेज 0.99 है, ये भी यहां पे बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट करके हुए दिखता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेलर्स रेशियो देखेंगे 0.36 है, कैटेगरी एवरेज 0.23 है, ये भी अच्छा है सिग्नल दे रहा है। और जेंसलॉन्स अल्फा जो है 13.36 87% के साथ 2.69 लाख रुपए बना के देता और ये कैटेगरी में जो बेस्ट परफॉर्मेंस फंड है वो आपको 3,15,000 रुपए बना के देता 25.76% रिटर्न के साथ में, जबकि यही 1,00,000 रुपए अगर आप कंटिन्यू करते हैं और फ्यूचर में आप देखेंगे 15% रिटर्न हम लोग यहां पे कैलकुलेट करते हैं जबकि ये म्यूचुअल फंड ने आपको 22% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है कंसिस्टेंटली। तो यहां पे 15% के साथ अगर हम लोग यही 1,00,000 रुपए को और इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 15 साल के बाद आपको यहां पे 12,00,000 रुपए देखते हुए नजर आएंगे, 20 साल के बाद में ऑलमोस्ट 24.5 लाख रुपए और 30 साल के बाद में 99 लाख रुपीज का कॉर्पस ये फंड आपको जनरेट करके दे सकता है। और इसी के साथ अगर आप 1,000 रुपए 5 साल पहले इन्वेस्ट किए होते एसआईपी के थ्रू ये फंड के अंदर तो ये फंड आपको 1,37,000 रुपए बना के देता 33.79% रिटर्न के साथ। कैटेगरी एवरेज हालांकि यहां पे आपको 1,23,000 रुपए बना के देता 29% रिटर्न के साथ और इस कैटेगरी का बेस्ट एवरेज जो फंड है वो आपको 1,31,000 बना के देता 31.8% के रिटर्न के साथ में। यहां पे अगर यही एसआईपी 1,000 रुपए की आप कंटिन्यू करते हैं अगले 15, 20, 30 साल के लिए तो 15 साल के बाद आपको 6.76% का कॉर्पस जनरेट होता हुआ दिखता, 20 साल के बाद 15 लाख रुपए का कॉर्पस और 30 साल के बाद में आपको 70 लाख रुपीज का कॉर्पस यहां पे ये फंड बना के देता 1,000 रुपए की एसआईपी के ऊपर। अब यहां पे तीसरा सिचुएशन हम लोग ले रहे हैं, आपके पास कुछ लमसम अमाउंट पड़ा है, मान लेते 8 लाख रुपए मेरे पास पड़ा है तो मैं लमसम अगर इसमें इन्वेस्ट कर देता हूं तो मुझे यहां पे 6,660 रुपए का एसडब्ल्यूपी पर मंथ
पर मंथ जो पैसा है वो मिलता रहेगा, इसके साथ में मेरा कॉर्पस भी बढ़ता रहेगा। तो चलिए देखते हैं 15 साल के बाद में मेरा जो टोटल कॉर्पस है 24,52,000 रुपए बन जाता, जबकि मेरा 6,660 रुपए का SWP चालू है, उसके जरिए मैंने 12 लाख रुपए निकाल ली भी लिए हैं। 20 साल के बाद मेरा टोटल कॉर्पस 43,57,000 रुपए हो जाता और 30 साल के बाद में मेरा टोटल कॉर्पस 1.6 करोड़ ऑलमोस्ट हो जाता, 8 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट और 6,660 रुपए का SWP प्लान के जरिए। दोस्तों ये म्यूचुअल फंड में सारी चीज पॉजिटिव दिखती हुई नजर आ रही है, जबकि इसका रिटर्न भी काफी अच्छा है और कैटेगरी एवरेज को हर होरिजोन में बीट कर रहा है। साथ में जो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है ये कैटेगरी का, उसको भी यहाँ पे कंपैरिजन में काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करता हुआ नजर आ रहा है ये फंड। तो दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं आपको और नए वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसे ही नए वीडियो के अपडेट तुरंत आपको मिलते रहे। मिलता हूं आपको नए वीडियो में, अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे इन्वेस्टेड।